वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो हम सीखेंगे वो है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या होता है कि वो आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी दो नंबर हमारे पास में गिवन है और वो नंबर मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक्स है एंड वाई है। अब हमको पता है कि वाई जो है पॉजिटिव का है और एक्स भी पॉजिटिव का है, तो वाई जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर यही सेम सिनेरियो में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, माइनस एक्स और माइनस वाई, तो बड़ा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा अगर आपको नंबर लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होगा तो। ठीक है, और देखिए जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे ना, ये सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया जो आपको याद रखना है कंपैरिजन करने के लिए रैशनल नंबर का। सेकंड पॉइंट ये है कि ना जो भी नंबर नेगेटिव होता है, यहाँ पर जितने भी नंबर आ रहे हैं, ये जो मैं एरो ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव हमेशा जीरो से छोटा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, इसमें कोई बोलने की बात नहीं है, नेगेटिव नंबर भी क्या होते हैं यहाँ पे, मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं किससे, पॉजिटिव नंबर से। और ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, जो बड़ा होता है उसकी तरफ जो है वो सिंबल का मुंह ओपन रहता है। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव का छोटा नंबर अगर है ये, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव का है ये, छोटा नंबर है माइनस एक्स, तो ये बड़ा हो गया, तो इसकी तरफ में ये जो माउथ है ना, आप ये जो देख रहे हैं माउथ ओपन रहेगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट के अंदर में क्या है, जैसे कि मान लीजिए ए बी और सी डी है, अगर ये कोई फ्रैक्शन है तो इनको कंपेयर करने के लिए हमेशा आपको बेस को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद हम न्यूमरेटर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये न्यूमरेटर जो इनको अगर आप कंपेयर करेंगे तभी आपको पता लगेगा। तो आई होप आपको ये थोड़ा बेसिक का आइडिया लगा होगा, बाकी का जो हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट वन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देकर के रखा हुआ है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, जो नंबर्स गिवन है उनको क्या करना है, कंपेयर करना है। अभी देखिए यहाँ पर हमको जो देकर के रखा हुआ है वो क्या है, माइनस सेवन और माइनस टू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर सेवन जो है वो बड़ा होता है टू से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा देयर फोर माइनस सेवन एंड माइनस टू को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बड़ा कौन सा होगा, यहाँ पर माइनस का टू होगा, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था उसके अकॉर्डिंग होगा ये। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट में क्या देके रखा हुआ, जीरो एंड माइनस नाइन बाई फाइव। माइनस का नाइन बाई फाइव मतलब ये क्या, नेगेटिव है। और मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव नंबर जितने भी होंगे वो क्या होंगे, जीरो से ऑब्वियसली छोटे ही होंगे। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, पहले हम ये एक रीजन लिख देंगे, सिंस माइनस नाइन बाई फाइव इज अ नेगेटिव नंबर, देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो और माइनस नाइन बाई फाइव को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली कौन सा बड़ा होगा, जीरो बड़ा होगा, क्योंकि क्या होगा, माइनस का नाइन बाई फाइव है जो कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव है ये वाला नंबर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जीरो से छोटा हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा था। अभी देखिए थर्ड पार्ट में हमें गिवन है एट बाय सेवन एंड जीरो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एट बाय सेवन क्या पॉजिटिव नंबर है और ये क्या है, जीरो है, तो ऑब्वियसली एट बाय सेवन जो होगा ये फ्रैक्शन नंबर है, बट ये क्या हो रहा है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, मतलब ये क्या आएगा, राइट साइड ऑफ द जीरो आएगा ऑन द नंबर लाइन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जीरो से बड़ा हो जाएगा, बट स्टिल हम लिख देंगे सिंस एट बाय सेवन इज अ पॉजिटिव नंबर, देयर फोर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट बाय सेवन और जीरो का जो हम कंपेयर करेंगे तो एट बाय सेवन हमारा बड़ा होगा। ठीक है, इसी की तरफ हम देख सकते हैं, जो सिंबल ड्रॉ किया इसका मैंने माउथ ओपन उसी तरफ रखा है जो नंबर बड़ा है अपना। फोर्थ पार्ट में देखें क्या देखा के रखा हुआ है, माइनस का फाइव बाय फोर कॉमा वन बाय फोर, राइट, ये हमको गिवन है फोर्थ पार्ट के अंदर में। अभी देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दो फ्रैक्शन देके रखे हैं, दोनों फ्रैक्शन में क्या हमें कंपेयर करना है कि दोनों का बेस कॉमन है कि नहीं। देखिए ये भी फोर है ये भी फोर है, दोनों का बेस कॉमन है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, मतलब माइनस फाइव और वन को कंपेयर करेंगे, तो वन क्या एक पॉजिटिव नंबर है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। उससे पहले आपको कोई भी फ्रैक्शन नंबर अगर देके रखें कि दोनों का बेस सेम है कि नहीं, अगर बेस सेम नहीं है तो पहले बेस को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए न्यूमरेटर में क्या है, वन है और यहाँ पे क्या है, माइनस फाइव है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, राइट। तो हम लोग हमें यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन अ पॉजिटिव नंबर। तो ये हमारे पास में क्या गिवन है, माइनस फाइव बाय फोर एंड वन बाय फोर गिवन है, राइट। तो नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो हम लोग इस तरह से सिंबल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देंगे देयर फोर। अगेन फिफ्थ पार्ट में देखिए हमको गिवन है 40 बाय 29 एंड 141 बाय 29। ठीक है, अब देख सकते हैं दोनों का बेस जो यहाँ पर सेम है, 29 दोनों का बेस है यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे
तो 40 ऑब्वियसली छोटा है 141 से, ये तो कोई बताने की बात है ही नहीं यहाँ पर, तो ये 141 से छोटा है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस 40 इज स्मॉलर देन 141, राइट। अगर ये चीज़ हो रही है यहाँ पर एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर इज सेम, देयर फोर 40/29 एंड 141/29, तो ऑब्वियसली 141/29 इज बिगर नंबर। देखिए सिक्स क्वेश्चन में क्या देखे रखा है, -17/20 एंड -13/20। मे भी आपको ये माइनस ना दिख रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये माइनस का 17 है, ठीक है, फिर टाइप हुआ है तो दिख नहीं रहा होगा क्लियरली। तो -17/20 या -13/20, अगेन हम क्या चेक करेंगे, पहले हमारे दोनों का बेस सेम है कि नहीं है, तो अब देख सकते हैं यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20, दोनों का बेस क्या है, सेम है, राइट। अब आपको पता है कि -17 ऐसे 17 बड़ा नंबर है, नो डाउट 17 बड़ा नंबर है 13 से, राइट, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव दोनों में, यहाँ पे भी -17 है, यहाँ पे भी क्या -13 है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, -17 छोटा नंबर हो जाएगा। अब हम लिख देंगे सिंस डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, ठीक है, हमारे डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है यहाँ पर, तुम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली न्यूमरेटर को ही कंपेयर करने वाले, तो -17/20 और हमको क्या गिवन है, -13/20, तो जो छोटा नंबर होता है दोनों ही अगर नेगेटिव है, तो जो छोटा नेगेटिव नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से सिंबल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देयरफॉर का सिंबल आप लगा सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिक्स पार्ट के लिए। देखिए सेवन पार्ट में क्या देख रखा है, 15/12 एंड 7/16। अभी यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेस क्या है, दोनों के सेम नहीं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बेस को पहले कॉमन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 16 जो है ये 15/12 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और ये जो 12 है वो भी हम दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। मैं लिख के समझा देता हूँ अभी आपको, जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला नंबर क्या है 5/12, तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाला जो आप 16 देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाले 16 इससे दोनों जगह पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा 16/16, तो 5 × 16 अगर हम लोग करते हैं, सॉरी 15 था ये, तो 15 × 16 अगर हम लोग करते हैं तो हमको कितना मिलता है 240, राइट, 12/16 अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 192 मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देखिए, नेक्स्ट जो फ्रैक्शन हमको गिवन है वो क्या, 7/16 गिवन है, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, ये वाला जो 12 है इससे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैं लिख दूंगा 7/16 × 12/12, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 7 × 12 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 84 एंड 16 × 12 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 192 मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन को हमने क्या किया, बेस कॉमन कर दिया, बेस कॉस्ट कॉमन किया, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे 192 आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया 192 आ गया, दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम या बेस सेम हो गया है हमारा यहाँ पे। अब हमको कंपेयर जो करना है वो क्या कंपेयर करना है, दोनों के न्यूमरेटर को, ये 240 है और ये 84 है, तो अभी आप समझ गए कि दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है, ऑब्वियसली कौन सा है, ये 240 जो हमको दिखाई दे रहा है ये हमारे यहाँ पर क्या है, बड़ा नंबर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या समझ गए, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिंस 240/192 इज ग्रेटर देन 84/192। अब देखिए ये वाला जो नंबर है ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, मतलब 15/12 हो रहा है, राइट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 15/12, और ये वाला जो नंबर है ये कहाँ से था, अब देख सकते हैं ये वाला नंबर था, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या जाएगा 7/16 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे देयरफॉर करके लिख देंगे और ये हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अभी देखिए हमारे पास में 8 पार्ट में देकर के रखा हुआ -25/8 एंड -9/4, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है नेगेटिव नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है 4 है। अब आप बोलेंगे लास्ट जैसे क्वेश्चन में क्या, मतलब लास्ट पार्ट में जैसे मैंने किया सेवन पार्ट में, वैसे यहाँ पे करूँ कि ये 4 को दोनों जगह मल्टीप्लाई करूँ, ये वाले 8 को भी यहाँ पे दोनों जगह मल्टीप्लाई करूँ, बट उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर इस 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों फ्रैक्शन आपस में सेम हो जाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे -9/4 जो है उसको लिख लेता हूँ, इंटू क्या आ जाएगा 2/2 कर दूंगा, क्यों किया मैंने, कि देखिए ये वाला 4 × 2 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4×2=8 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है, उसके बाद -9×2 अगर हम लोग करेंगे तो -9×2 अगर आप करते हैं आपको क्या मिलेगा -18 मिल जाएगा। अब मतलब हमें कौन से दो नंबर्स को कंपेयर करना है, पहला फ्रैक्शन ये वाला हो रहा है और दूसरा फ्रैक्शन ये वाला हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दोनों में कौन सा जो है बड़ा नंबर होगा हमको डिसाइड करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस -25/8 और -18/8, ठीक है, ये हो रहा है अपना यहाँ पे, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा हो रहा है हमारा, जो छोटा होता है दोनों नेगेटिव, क्योंकि दोनों के दोनों के यहाँ पर आप देख सकते हैं -25 है, -18 है,
तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर होगा दोनों नेगेटिव में वो छोटा नंबर हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये मिलेगा अपने को यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए माइनस 18 अपॉन 8 हमारा कौन सा नंबर था, ये माइनस का 9 अपॉन 4 ही था जिसको हमने कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर लिख देंगे देयर फोर माइनस 25 अपॉन 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 9 अपॉन 4, तो ये हमारा बड़ा नंबर हो रहा है, यही यहाँ पर लिख देंगे। नाइन पार्ट में देखा कर रखा हुआ है 12 अपॉन 15 एंड 3 अपॉन 5, राइट। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन आप देख सकते हैं दोनों का जो बेस है वो सेम नहीं है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पर क्या है 15 है, लेकिन 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 ही होता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ये वाला जो फ्रैक्शन है पहले इसको लिख लूँगा, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 5, हम इंटू में क्या लिख देंगे 3 बाय 3। अब देखिए अगर आप 3 इंटू 3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा, और 5 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 15 मिलेगा। तो अब हम कौन से दो फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको और ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको, इन दो फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे अभी यहाँ पे। तो मतलब क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का बेस क्या हो चुका है, इसका भी 15 है इसका भी 15 है, मतलब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंस 12 अपॉन 15 एंड 9 अपॉन 15, अब देखिए दोनों के बेस सेम है दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 12 अपॉन 15 बड़ा हो रहा है, तो देयरफॉर करके हम लिख देंगे यहाँ पर, देखिए 9 अपॉन 15 ये कहाँ से मिला था हमको, ये कौन सा नंबर था, कुछ भी नहीं था, ये 3 अपॉन 5 था, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि 9 अपॉन 15 के पे हम क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन 5 लिख सकते हैं, राइट। और ये 12 अपॉन 15 तो है ही, तो इसका मतलब ये हमारा बड़ा नंबर हो जाएगा। देखिए 10 पार्ट में देख रखा हुआ है माइनस 7 अपॉन 11 एंड माइनस 3 अपॉन 4, आप देख सकते हैं दोनों के ही जो आप डिनोमिनेटर है बेस बोलिए और डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोनों ही नंबर को आपस में इक्वल कराना, दोनों के डिनोमिनेटर को आपस में इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ पहले ये वाला जो 4 है इसको मैं यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, लिख देता हूँ माइनस 7 अपॉन 11 इंटू 4 बाय 4 कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 7 इंटू 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस 28 मिल जाएगा, और 11 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा 44 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये माइनस 3 अपॉन 4 जो हमको देके रखा हो इसको मैं लिख लूँगा यहाँ पर, इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये 11 से, ये वाला जो इसका डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 बाय 11, तो ये इक्वल टू माइनस 3 इंटू 11 अगर आप करेंगे आपको क्या मिलेगा माइनस का 33 मिल जाएगा, 4 इंटू 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो टारगेट था हमने अचीव कर लिया, दोनों के दोनों क्या हो गए सेम बेस हो गए, मतलब सेम डिनोमिनेटर हो गए हैं। अब हम कंपेयर करते हैं अगर यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस 28 बाय 44 एंड माइनस 33 बाय 44, दोनों ही नेगेटिव हैं तो जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा मेरा बड़ा नंबर होगा, तो इसका मतलब ये बड़ा नंबर हो रहा है माइनस का 28 बड़ा हो रहा है। माइनस का 28 कौन सा नंबर था अपना आपको पता हो लग गया होगा अभी, ये माइनस का 28 बाय 44 जो है कौन सा नंबर है माइनस 7 बाय 11 है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 7 अपॉन 11, और माइनस 33 अपॉन जो 4 है माइनस 33 अपॉन 4, 44 मतलब जो कौन सा नंबर है माइनस 3 अपॉन 4 है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस 3 अपॉन 4, यहाँ पे हम सिंस लिख देंगे और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे देयरफॉर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा मत करना कि आप बस बुक खोल लिया या वीडियो देख लिया और आपको समझ में आ गया तो प्रैक्टिस ना करो, प्रैक्टिस ज़रूर करना, एक बार नोटबुक में सॉल्व करके ज़रूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और मेरी ऐप भी है, आप ऐप पर जाके ये सॉल्यूशन को रेफ़र कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड देखने के लिए थैंक यू।